दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी की साख पर फिर झाड़ू फेर दी है। आज शाम उन्होंने एक दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपने आरोपों पर कुछ और तफसील पेश की। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने उन्हें खुद केजरीवाल के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने की बात बताई थी। कपिल मिश्रा की माने तो जैन ने केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल के लिए छतरपुर में 50 करोड़ रुपए की लैंड डील करवाई। डील के तहत बंसल को 7 एकड़ जमीन दी गई और इतना ही नहीं, मिश्रा के मुताबिक जैन ने बंसल परिवार के लिए पीडब्ल्यूडी के 10 करोड़ के फर्जी बिल भी सही साबित किए। कपिल मिश्रा ने पंजाब चुनाव में पैसा और शराब के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। कपिल मिश्रा कल 11:30 बजे सीबीआई में अपने आरोपों की शिकायत दर्ज करवाएंगे। उन्होंने दावा किया कि वो इन आरोपों से जुड़े सबूत भी सीबीआई को सौंपेंगे। संजय सिंह जी ने पूछा कि उस रिश्तेदार का नाम बताओ अरविंद केजरीवाल जी के, जिसके नाम पे लैंड की डील हुई है। आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को खुद बताया था, जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। जो कपिल मिश्रा ने जिस तरह की बातें की हैं शर्मनाक है। आज जो बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के साड़ू के लिए उनको घिन आनी चाहिए। जिस आदमी की आज डेथ हुई है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की राजनीति करते हैं। मैं वहाँ पर गया हूँ डेथ के अंदर, वहाँ पे कुछ मीडिया वाले आके वहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे तो लग रहा था शाम को यही बात होगी, तो क्या बातें कर रहे हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, किसी तरह की किसी भी डील के अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई डील नहीं हुई है, सिर्फ कपिल मिश्रा जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो अनशन कुछ भी बोल रहे हैं।